एक नंबर जाएगा। बस इसमें एक ही कमी है, ये जो लिखा हुआ ओनियन 20 रुपए एक्स्ट्रा, इतना बड़ा काम है इनका, 20 रुपए लिख दिए हुए हैं। पूछ के आए हैं, किसी ने बोला भी काके के पास जाओ, उसका नान खाने का मजा आता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे नान मिल जाते हैं आपको, आलू नान, प्याज नान, बटर नान, पनीर नान। साइज देखें नान का कितना बड़ा साइज, ये देखें बड़ा वाला नान जो है हमारा, बड़े तंदूर में लगा हुआ है बड़ा वाला नान हमारा। पनीर टिक्का बन रहा है, इसके अंदर ये जो नान है इन्होंने आलू की स्टफिंग कर रखी है। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस आज हमारी जायके की तलाश हमें लेकर आई है चांदनी चौक फतेहपुरी में, बहुत फेमस दुकान है और काफी पुरानी दुकान है, काके की हड्डी पेज का सारा टोटल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ इनके छोले भटूरे का भी सेटअप लगा रखा है इन्होंने, सुबह में बहुत भीड़ रहती है, इस टाइम रात में हम डिनर के लिए आए हैं। तो आज हमने सोचा आज कुछ वेज खाते हैं, नॉन वेज तो हम खाते ही रहते हैं, तो आज आपको दिखाएंगे यहाँ की वेज थाली। क्राउड देखे गाइस कितना क्राउड है, तो देरी किए बगैर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम आ चुके हैं काके की हड्डी में, यहाँ से दो तंदूर लगा रखे हैं, यहाँ बटर नान वगैरह और बड़े नान निकल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे नान मिल जाते हैं आपको, आलू नान, प्याज नान, बटर नान, पनीर नान। साइज देखें नान का कितना बड़ा साइज है, पनीर टिक्का बन रहा है, पनीर का साइज देखें गाइस कितने बड़े बड़े पीसेस हैं। ये देखें बड़ा वाला नान जो है हमारा, बड़े तंदूर में लगा हुआ है बड़ा वाला नान हमारा। फाइनली हमने अपना वेज थाली का ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ये इनका मेन्यू है। हमारा जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर करा जा रहा है, फाइनली जो ऑर्डर हमने प्लेस करा था वो हमारी थाली आ चुकी है। ये शाही पनीर है, ये इनकी दाल मखनी है और ये इसके साथ में रायता है। इसके जायके से आपको रूबरू कराते हैं। इसके अंदर ये जो नान है इन्होंने आलू की स्टफिंग कर रखी है, कितना क्यूटली भर रखा है इसके अंदर, लार्ज क्वांटिटी में नान होता है। तो पहली जो बाइट है मैं लेने जा रहा हूँ दाल मखनी के साथ, बिस्मिल्लाह। दाल मखनी जो है ना, हमने पहले भी आपको दिखाया था अपना भोजनालय का वेज थाली जो दिखाई थी, उससे कहीं डिफरेंट है। मसाले सारे सेटल है, कोई ज्यादा स्पाइसी या वैसी नहीं है, नॉर्मल सी है, एक नंबर जाएगा है। और दूसरी जो डिश थी वो थी हमारी शाही पनीर, तो शाही पनीर के अंदर एक ही टुकड़ा है, मगर देखते हैं ट्राई करते हैं फिर भी। 210 रुपए में थाली कोई बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। शाही पनीर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। तो गाइस इस खाने को हम ट्रीट करते हैं जब तक व्लॉग बाद में शूट करेंगे, खाना बहुत ही जायकेदार है, बहुत टेस्टी है। गाइस फाइनली खाने से फारिग हो चुका है, खाना बढ़िया था, हमें बड़ा मजा आया। एक ये भाई बैठे हुए थे हमारे, इनके गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई जान? बहुत बढ़िया भाई, कैसा खाना है यहाँ का? खाना बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये इनके जो परांठे का साइज है ना, वो फर्स्ट टाइम देखा है, इतना बड़ा परांठा कहीं हमने देखा नहीं है। बस इसमें एक ही कमी है, ये जो लिखा हुआ ओनियन 20 रुपए एक्स्ट्रा, इतना बड़ा काम है इनका, 20 रुपए लिख दिए हुए हैं। तो परांठे में 20 रुपए ऐड कर लो, 20 के 20 के 30 ऐड कर लो, ऐड कर लो ओनियन, इतना बड़ा काम है, फ्री होना चाहिए। किसी से हम पूछ के आए हैं, किसी ने बोला भी काके के पास जाओ, उसका नान खाने का मजा आता है, नान खाने का। इधर आके लोग तीन बंदे बाहर गए हैं, वो यही बोल रहे, कहते हैं ये 20 रुपए लिख के लगाएगा, दिस इज नॉट गुड, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, वो स्पेशल आपके नान खाने आ रहे हैं और 20 रुपए के लिए वो 30 रुपए देने में किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती।
थोड़ा सा फील होती है ये बात, ये फील होती है। 20 रुपए क्या है, 20 रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जब तक लेके अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।